अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पेज 349, सय्यदा इज़्ज़ा बिन्त अबी सुफियान। बहुत से लोग नाम रखते हैं इज्जा, लेकिन ये नहीं पता कि नाम था किसका। तो ये अबू सुफियान की बेटी हैं और हजरत उम्मे हबीबा की बहन हैं। उम्मे हबीबा कौन थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, उम्मुल मुमिनीन। इनका नाम इज्जा, वालिद का नाम अबू सुफियान बिन हर्ब। ये जमाने जाहिलियत में कुरैश का एक सरकर्दा सरदार था। जंग बदर जिसकी वजह से हुई और फिर जंग उहद में भी ये शरीक था। सय्यदा इज़्ज़ा की हमशीरा उम्मे हबीबा, जिनका नाम रमला बिन्त अबी सुफियान था। तो एक बेटी का नाम इज्जा और दूसरी का नाम रमला। लिख लें आप भी, शायद कहीं रखने पड़ जाए। रमला बिन्त अबी सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को हबशा के हुक्मरान नजाशी के यहाँ हिजरत करके जाने की और वहां जिंदगी बसर करने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि उनके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं किया जाता था, तो उम्मे हबीबा अपने दीन की हिफाजत की खातिर अपने शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश के साथ हिजरत कर गई। उबैदुल्लाह बिन जहश जो थे वो एक दिन नींद से बेदार हुए, उठे तो उठकर अपनी बीवी को कहने लगे कि मैं अपने पिछले दीन पर वापस लौट रहा हूँ। वो मुसलमान होने से पहले क्रिश्चियन थे, तो कहने लगे कि मैं वापस क्रिश्चियन बन रहा हूँ। अब ऑब्वियसली जब वो क्रिश्चियन बने तो उनका निकाह खत्म हो गया। अब हुआ ये कि उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगे और इसी में उनकी डेथ हो गई। उम्मे हबीबा ने अभी इद्दत की मुद्दत पूरी ही की थी कि हबशा के हुक्मरान नजाशी की कनीज पैगाम लेकर उनके पास आई और बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे आका की तरफ खत भेजा है और ये कहा है कि आपकी शादी का उनके साथ एहतमाम करें। ये खबर सुनकर उम्मे हबीबा ने फरहत और इम्बिसात से झूमते हुए अब्राह से कहा, अल्लाह तुझे खुश रखे और खैर बरकत अता करे। अब्राह जो था ये हबशा के बादशाहों का लकब था, जैसे फिरौन कहाँ का था? मिस्र के, और किसरा ईरान के, और कैसर रोम के, और तुब्बा यमन के। ठीक है, और हम वो कहते ना कि एक अब्राह ने हमला कर दिया, वो सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं था, ये एक लकब था इनके बादशाहों का। तो उसने अब्राह के लिए भी दुआ की जिसके पास आपका पैगाम आया था और उसने आगे भेजा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र इब्न उमैया दमरी को नजाशी की तरफ भेजा और उसे यह पैगाम दिया कि वो उम्मे हबीबा की उनके साथ शादी का एहतमाम करे। खालिद बिन सईद बिन आस ने निकाह की जिम्मेदारी को पूरा किया क्योंकि उनके करीबी अजीज थे, इन्हें एक तरह से वली का काम किया। इनको उम्मे हबीबा का वली मुकर्रर कर दिया गया। हबशा के हुक्मरान नजाशी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 400 दीनार हक के मेहर मुकर्रर किया। दीनार क्या होता है? सोने का सिक्का होता है। ठीक है, अशरफी चांदी का सिक्का होता है और दीनार सोने का सिक्का होता है। ठीक, तब ये कितना महर है? 400 दीनार। काफी बड़ी रकम है, लेकिन ये किसने अदा की थी? नजाशी ने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की थी। तो आपने भी फिर क्या किया था? जब वो फौत हुआ था तो उसका गायबाना जनाजा पड़ा था। हक्के महर की रकम शरहबील बिन हसना की वसातत से उम्मे हबीबा को पहुंचाई और नजाशी ने वलीमे का एहतमाम अपनी तरफ से किया, जिसमें जाफर बिन अबी तालिब और दीगर तमाम मुसलमान भी शरीक हुए, जो हिजरत करके हबशा में रिहाइश पजीर थे। जब अबू सुफियान को बताया गया कि उसका दामाद उबैदुल्लाह बिन जहश हबशा में नसरानियत के साथ वाबस्ता होकर वफात पा गया है, तो वो ये खबर सुनकर खुश हुआ क्योंकि उसकी बेटी उम्मे हबीबा उसके इल्म के बगैर ही मुसलमान होकर हबशा हिजरत कर गई थी। अब वो नादिम होकर वापस उसके पास आ जाएगी। यानी खुश हुआ कि अच्छा हुआ कि जिसके साथ शादी की उसने ही इसको छोड़ दिया एक तरह से, और वो बदल गया तो अब ये भी बदल जाएगी और फिर इस तरह वो बेटी वापस आ जाएगी। इससे क्या बात पता चलती है? इसमें आप देखिए, उम्मे हबीबा की शादी हुई है उबैदुल्लाह बिन जहश से, दोनों मुसलमान हो गए, कपल मुसलमान हो गया, दोनों हिजरत कर रहे हैं, दोनों हबशा गए हैं। वहां जाकर शौहर बदल जाता है। अब ये छोटी सी बात नहीं है। मक्का से हबशा हिजरत करके, घर बार छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो वहां पर गए हैं और वहां जाकर शौहर फिर जाता है। एक औरत के लिए शौहर उसका सहारा होता है, और परदेश में जो मुल्क भी अपना नहीं, तो कितनी बड़ी आजमाइश थी। पहली आजमाइश ये आई कि इस्लाम कबूल करने के बाद वहां मक्का में रहना मुश्किल था। दूसरी आजमाइश ये आई कि शौहर साथ छोड़ गया। ऐसे वे लोग किसको ब्लेम करते हैं? दीन को। सब ये ताने देने लगते हैं, देखा ना फिर मजा चख लिया तुमने दीनदार से शादी करने का। क्या कोई भी शख्स ये कह सकता है कि वो हमेशा दीन पर कायम रहेगा? उसका दावा कर सकता है कोई? क्या हम अपने बारे में दावा कर सकते हैं? दुआ कर सकते हैं अल्लाह हमें इस्तिकामत देना और मरते दम तक जमाए रखना, लेकिन दावा कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए कि दिल अल्लाह के हाथ में है और शैतान दुश्मन हर वक्त साथ है बहकाने के लिए। और इंसान की सिचुएशन भी तब्दील होती रहती है, कभी एक अच्छे माहौल में होता है तो ईमान बढ़ता है, कभी ऐसे माहौल में होता है तो वहां ईमान और नीचे जाने लगता है क्योंकि अमल उस तरह नहीं हो रहा होता। तो जब हम अपने बारे में नहीं गारंटी दे सकते तो किसी और के बारे में कैसे दे सकते हैं? तो बास वक़्त ऐसा हो सकता है कि एक शख्स जिसके साथ आप मामला कर रहे हो, खास शादी का कर रहे हो, कोई बिजनेस का कर रहे हो, किसी भी चीज का कर रहे हो, जब आपने उसके साथ मामला शुरू किया तो वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ अरसे के बाद उस पर शैतान गालिब आया और उसकी अच्छाई शर में बदल गई। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है कि जब एक शख्स शादी करे तो बीवी के लिए पढ़े, कोई खादिम खरीदे, उस जमाने तो गुलाम खरीदे जाते थे, तो उस पर पढ़े कि अल्लाह मुझे इसका खैर अता करना और मुझे इसके शर से महफूज रखना। तो हर इंसान के साथ खैर भी और शर भी है। तो अब क्या होता है, मसलन वाइस वर्सा आप देखें, एक लड़का शादी करता है एक दीनदार लड़की से कि जी ये कुरान की हाफिज है, कुरान की तफसीर समझती है, सब कुछ जानती है, इसके आने से तो घर को चार चांद लग जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसका दिल बदलने लगता है और वो दुनिया में, क्योंकि शादी भी एक बहुत बड़ा फितना है, बहुत से लोग जब शादी होती है तो वो उसको सारी तमन्नाओं की मेराज समझकर बस उसके बाद वो समझते अब हम मादर पिदर आजाद हैं, जो जी चाहे करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत करें या ना करें, और गो विद द फ्लो, जिधर हस्बैंड लगाता है जिधर और लोग लगा रहे हैं उसकी तरफ चलो। यानी शादी जिंदगी में ऐसा मरहला है कि जिसमें लड़की के लिए सबसे बड़ी फिसलन का मकाम आता है, जो उसमें संभल गई वो संभल गई, तो इस्तेकामत उसको अल्लाह ताला नसीब करेगा। लेकिन फिर भी जिंदगी में बहुत सी और भी फिसलने आती हैं जो इससे कम होती हैं। अब क्या होता है कि जिससे आपने दीनदार समझ के मामला किया वो दीन से फिर गया, अब इसका शिकवा किससे करेंगे? अल्लाह से, बंदों से तो नहीं कर सकते, या बंदों से कर सकते हैं। अब उम्मे हबीबा क्या करती है, अपने बाप को बताती। आमतौर पर तो लड़कियां यही करती है ना, अपने घर में कोई मुश्किल पेश है माँ बाप को बताया कि हमारे साथ ये, पीछे भी नहीं बता सकती, वहां भी कोई और नहीं कि किसको बताएं। तो यकीनन उन्होंने अल्लाह ही से मदद मांगी होगी, और उस मदद का जवाब कैसे आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि इनके साथ ये हादसा हुआ तो आपने उनको प्रपोज कर दिया और फिर इतने बड़े हकमैर पे शादी की। तो दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कुर्बानियों का बदला देते हैं, एज लॉन्ग एज के आप उस वक्त अपने आप को थाम लें और कोई ऐसा रिएक्शन न करें कि आपके दिल में अल्लाह के खिलाफ बदगुमानी और दीन के खिलाफ और अपने किसी नेक अमल के जो आप कर रहे हैं उसके बारे में शक का शिकार हो जाएं कि पता नहीं मैंने ये ठीक नहीं किया, पता नहीं मैंने हिजरत नहीं की, क्या पता मेरे वालिद जो थे वो नाराज थे मुझसे यहाँ आने पर, मैं उनको नाराज करके आई हूँ, इसलिए मेरे साथ ये हो गया। तो क्या उम्मे हबीबा को अब मुसलमान होने के लिए अपने वालिद से पूछना चाहिए था? नहीं, अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए माँ बाप से पूछते हैं कि आप बताएं मैं बचूं कि ना बचूं, आप कहते हैं तो मैं बच जाती हूँ, आप कहते हैं तो मैं आपकी मर्जी के मुताबिक जहन्नम में चलती हूँ। ये कर सकते हैं हम? नहीं। लेकिन ऑब्वियसली माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करना इंतहाई मुश्किल होता है, एक लड़की के लिए खासतौर पर बहुत मुश्किल मरहला होता है। लेकिन हमेशा याद रखिये कि जितनी बड़ी मुश्किल हो उस पर उतना ही बड़ा सब्र करना पड़ता है, और जहां सब्र बड़ा करना पड़ता है और जब सब्र ज्यादा करता है फिर उसके लिए अजर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत में तो बेहदो हिसाब रखा ही है, अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है। जिस वक्त उनके साथ ये सारा हादसा हो रहा था, क्या वो सोच भी सकते थे कि उनकी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी? क्या वो सोच सकते थे कि इस दियारे गैर में उनको 400 दिनार मिलेंगे, और वो भी एक गैर मुस्लिम बादशाह की तरफ से? नहीं। लेकिन मामला अल्लाह पे छोड़ दिया ना। हम लोग जब कोई मुश्किल आती है सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट कर, लोगों के दिलों को भी बदगुमान करके, अल्लाह से, दीन से, नेकी के काम से, और उसके बाद जब हमारे भड़ास निकल जाती है फिर हम कहते हैं सब्र कर रहे हैं, और फिर जब परेशानी होती है तो फिर रोना धोना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह तेरी मदद क्यों नहीं आ रही। वालम अन्न नस्र मअस्सब्र, अच्छी तरह जान लो कि नस्र सब्र के साथ है, मदद सब्र के साथ आती है। तो जब भी कोई जिंदगी में मुश्किल मरहला आए, वली रब्बे का फसबिर, के अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, अल्लाह ने मेरी जिंदगी में ये इम्तिहान लिखा था और अब मुझसे देखा ये जा रहा है कि मैं इस पर करती क्या हूं। ऐसे में जो माँ बाप खुद दीन की तरफ नहीं होते, जब उनके बच्चे दीन की तरफ जाते हैं और फिर उनको कोई ठोकर लग जाती है तो फिर उनकी खुशी क्या होती है, अब ये दीन से भटकेंगे। शैतान भी चाह रहा होता भटके, माँ बाप भी, माशरा भी। उस वक्त इंसान का इस्तेकामत इख्तियार करना बहुत मुश्किल होता है जब हर तरफ से प्रेशर बढ़ जाए। लेकिन अगर आपने अल्लाह के काम का बनना है तो फिर उसको अल्लाह की मदद से बर्दाश्त करना होगा, अल्लाह की मदद से। याद रखिए, हम में कोई ताकत नहीं कि हम मुश्किलात बर्दाश्त कर सकें, हम तो बहुत ही कमजोर हैं। वो खुलिकल इंसान उदाइफा। लेकिन हाँ, जब अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह को थामते हैं कि अल्लाह मुझे काफी, अल्लाह की मदद काफी, तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। तो अल्लाह ने अगर आप सबको दीन का रास्ता दिखा दिया है तो फिर इस पर कायम रहना है। दुनिया जितनी मर्जी लानत मुलामत करती रहे, कुछ आए या जाए, कुछ मिले या खोए, दीन का रास्ता नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। जब अबू सुफियान को बताया गया कि तेरी बेटी उम्मे हबीबा की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई है, वो उस वक्त मुशरिक था और आपके खिलाफ बरसरे पैकार थी, आपका दुश्मन था एक तरह से। जब उसे एक दिन ये कहा गया कि तेरी बेटी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली है, तो उसने बरजस्ता कहा कि बिला शुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जात है जिसे मुस्तरद नहीं किया जा सकता। यानी बहरहाल दिल में वो आपकी बड़ाई का मोतरफ था और इसका सबूत उसने कहाँ दिया था, कुछ वाकया याद है, बुखारी में शायद पड़ा और रिसेंटली। शाबाश, हिरकल के दरबार में, क्योंकि वो हसब नसब में आपसे करीब तरीन था। जब वहां के बादशाह ने पूछा ना कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन करीबी है रिश्तेदारी में, तो बताया गया कि अबू सुफियान। तो उसने फिर सवाल किए थे, तो उसके दरबार में अबू सुफियान ने क्या कहा था? जी, वो हम में बड़े नसब वाला है। और क्या कहा था? सब बातें सच कही थी और आपकी बहुत सी तारीफें की थी, आपकी अमानत, दयानत, आपकी सारी खूबियां बयान की थी। तो इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि आपके दुश्मन भी एतराफ कर लें, ना कि आपके दोस्त भी आपके खिलाफ गवाही दें। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जाहिर और बातिन, सामने और पीछे, हर जगह पर अल्लाह से डरने की जरूरत होती है। आपके तो बाकी दुश्मन भी आपके हक में गवाही देते थे कि वो सादिक है, अमीन है, वो झूठ नहीं बोलता। तो ये गवाहियां कैसे बनती है कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता, ये शख्स ये गलत बयानी नहीं कर सकता। बाजूकत ऐसा होता है ना कि कोई शख्स आपके पास आके किसी के खिलाफ कोई बात करता है तो आप फौरन कहते नहीं, ये तो मानने की बात नहीं, ये नहीं हो सकता, फलां शख्स से मैं ये तवक्को नहीं रखती। और आप अल्लाह ऐलान कह भी देते हैं कि बाकी तुम्हारा जो भी इख्तलाफ होगा, हर इंसान में कमजोरी, लेकिन ये नहीं बात हो सकती। ये गवाही किसके हक में होती? जो वाकई हर मौके पर अच्छा काम करने वाला हो, इस्तिकामत के साथ। ये नहीं एक दिन सच बोलिए, एक दिन झूठ बोलिए, एक दिन अच्छे बन गए, एक दिन पटड़ी से उतर गए, इससे कोई आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं बनती। ठीक है ना? तो ये अल्लाह का तकवा होता है, अल्लाह का डर होता है जो इंसान को सही रास्ते पर रखता है। और जब इंसान सही रास्ते पर रहता है तो दुनिया और आखिरत दोनों में, और मलाए आला में और फरिश्तों में, हर जगह पर आपकी वही गवाही बनती है। तो सोचिए कि व्हाट आर यू नोन फॉर, वो कौन सी अच्छी क्वालिटी है कि जिससे आप पहचाने जाते हैं। ये नहीं कि दिखावे के लिए हम वो शुरू कर लें कि चलो आज से मैं ये फलां अपने अंदर खूबी पैदा कर लेती हूँ, नहीं। तो इस्तिकामत जो है, इस्तिकामत कि कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़ीम, को एक चीज पकड़ लें और उसके साथ जम जाए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ हो, लेकिन आप जमे रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए रास्ते आसान कर देगा। और ये अच्छी शोहरत जो है, ये सिर्फ जाहिर में काम करके नहीं बना करती, याद रखिए। दिखावे के कामों से कभी नहीं बनती, क्योंकि दिखावे की चीजें बहुत जल्द खुल कर रह जाती, उन पर इंसान कायम नहीं रह सकता। देखिए ना, कि जैसे मसलन आपने को मसनूई अखलाक सजाया हुआ अपने ऊपर, जो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने मसनूई पलकें लगाई हुई हो या मसनूई बाल लगाए हुए हो, तो क्या वो हर बार सह सकती? नहीं। या मेकअप लगाया हुआ तो थोड़े दिन पसीना आए तो क्या होगा, सब राज खुल जाएगा। तो इसी तरह जो मसनूई नेकियां होती है ना, या मसनूई किस्म के काम होते हैं कि कोई देखे तो उस वक्त सिमट के बैठ गए, अच्छे बन गए, और कोई ना हो तो शैतान बन गए, तो ये काम, इससे नहीं बात बनेगी। जाहिर और बातिन में अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, और कोई अच्छा करे या बुरा करे, तो उसमें भी कोई अच्छा करे या बुरा करे, क्योंकि जब वो अच्छा करेगा तो अच्छा करेंगे, जो बुरा करेगा तो हम फिर उससे बुरा बन के दिखाने की कोशिश करते नहीं, उस वक्त भी अच्छा। फिर आप देखें आपकी शोहरत कैसे बनती। तो हम आमतौर पर कहते हैं लोगों को क्या, मुझे किसी की परवाह नहीं। ये बात बहुत लोग कहते हैं, मुझे नहीं किसी की परवाह, कौन मुझे क्या कहता है। आप परवाह करें या ना करें, बहरहाल आपके बारे में राय रखी जाएगी और वो राय लिखी जाएगी और उस राय पर भी आपको अजर या सजा मिलेगी, क्योंकि इंसान के आसार होते हैं। ठीक है ना। तो परवाह करें या ना करें, इसका फायदा या नुकसान तो आपको होगा ही होगा। अब हम लोग अपने आप को चेंज करते हैं जब हमें कुरान का पता चलता है वह सब। तो अगर एक पास्ट में हमसे गलती हुई और किसी ने वही राय कायम की हुई, तब हम सहाबा की जिंदगी में देखिए कि पास्ट की गलतियों को उन्होंने किस तरह कंपनसेट किया। अब सुफियानी के बारे में आप पढ़ेंगे कि जब वो मुसलमान हुए तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, फिर दीन के लिए क्या किया। तो ठीक है, एक लंबे पास्ट में गलतियां होती हैं, लेकिन फिर फिक्र यही होनी चाहिए कि उनको अनडू कैसे करना। खालिद बिन वलीद ने क्या किया, अनडू किया। अब उनकी शोहरत क्या है, जंग ओहद के हवाले से या बाद के हवाले से? तो फिर इन्नमल आमालु बिख्वातीमिहा, जो हो गया सो हो गया। हम सब गलत करते हैं, हम सब से गलतियां होती हैं और वो एक बुरी शोहरत बन चुकी होती है, लेकिन इंसान तौबा ऐसी करे कि सब पे बांट दी जाए। किसी भी गलती और गुनाह से इस तरह निकले कि गोया वो वाकई फिर निकल आया उससे। अस्सलाम वालेकुम उस्तादा, ये जो पास्ट की राय हुई ना, ये जो इन्होंने बात की, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हजरत मूसा ने भी जब किबती को कत्ल किया था तो उनको ताना मिला था कि तुमने तो ऐसे शख्स को कत्ल भी किया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने कत्ल किया था, मगर मैंने माफी भी मांगी। तो हम एक्सेप्ट कर लें कि अब मैं वैसा नहीं हूँ। बिल्कुल। देखिए, गलती दो वजूहात की बिना पर होती है, एक ख्वाहिश की बिना पर और एक तकब्बुर की बिना पर। जो गलती ख्वाहिश की बिना पर हो जाती है इंसान से, इंसान ख्वाहिशात का पुतला है, तो उस पर इंसान नादिम होता है हमेशा, और फिर जब नादिम होता है तो तौबा कर लेता है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम। एक होती तकब्बुर की बिना पर, जिसमें इंसान तावीलें करता है, जैसे शैतान से गलती हुई और उसने तावीलें की और उसने अपनी गलती मानी ही नहीं, तो नतीजा क्या हुआ, वो शैतान बन गया। तो हमें यह देखना है कि कोई भी गलती हमसे हुई तो क्यों हुई, और फिर उस पर हम शर्मिंदा कितने। क्योंकि गलती तो गलती होती है, खा वो किसी के कहने की वजह से हो, किसी की बातों में आकर हो, किसी के उकसाने से हो, खा अंदर की उकसाहट हो या शैतान की उकसाहट हो या बैरूनी कोई वजह हो, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है ना, उसको तो हम सही नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि सही है ये। क्योंकि बाजू का हम जब कोई गलती करते हैं ना, तो अगर कोई हमसे पूछे कि क्यों किया, तो हम ये नहीं कहते कि गलती हुई, नहीं करना चाहिए, हम कहते चूंकि फलां ने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, अड़ जाते हैं उस पर। तो जो गलती पे अड़ जाता है वो फिर उसको राह हिदायत नहीं मिलती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहते हैं कि या इबादी ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कि डोंट एवर गिव अप, कि जितने मर्जी हमने गुनाह किए कभी आप ये ना फील करो कि ये फॉरगिव नहीं होंगे। बिल्कुल। जिस दिन से आप सच्ची तौबा करके पलट आएंगे, तो आपके पलटने के बाद जो होगा ना काम, और वो आखिरी अमल होगा, वो आपकी शोहरत बनेगी, वो मरने के बाद आपके बारे में गवाही लिखी जाएगी। हबशा से महाजरीन की वापसी के बाद सैयदा उम्मे हबीबा ने भी मदीना मुनव्वरा की तरफ अपनी दूसरी हिजरत की सादत हासिल की। जब अल्लाह ताला ने उम्मे हबीबा की हमशीरा के साथ खैर भलाई का इरादा किया तो उसके दिल को मुनव्वर और इस्लाम की हिदायत से सरफराज किया। उसने मक्का मुअज्जमा से अपने वालिद अबू सुफियान को बताए बगैर इस्लाम कबूल किया और मदीना की तरफ हिजरत की और अपनी बहन से जा मिली। तो ये हजरत इज़्ज़ा के बारे में है कि जब उनकी बहन मदीना पहुंच गई तो फिर ये भी मक्का से इस्लाम कबूल करके अपनी बहन के पास चली गई। इसीलिए हम देखते हैं कि फिर हजरत उम्मे हबीबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की थी कि आप मेरी बहन से निकाह कर लें। ठीक है। तो हजरत इज़्ज़ा के हालात जो हैं वो कुछ भी नहीं पता चलते, लेकिन उनके पूरे मजमूई तौर पर खानदान के हालात पता चलते हैं, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब अबू सुफियान ने इस्लाम कैसे कबूल किया था। फतेह मक्का के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज्जमा की तरफ रुख किया तो अल्लाह ताला ने अबू सुफियान के साथ खैर भलाई का इरादा किया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद इब्न अम्र राजी से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र ज़हरान के मकाम से गुजरे तो सैयदना अब्बास ने बयान किया कि मैंने सूरत हाल देखते हुए कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा में यूं ही दाखिल हो गए और कुरैश ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे पनाह तलब न की तो बर्बाद हो जाएंगे। सईदना अब्बास कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खच्चर पर सवार हो गया। मैंने कहा शायद कोई मक्का मुअज़्ज़मा में रहने वाला जरूरतमंद शख्स मुझसे मिल जाए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता देगा कि वो लश्कर इस्लाम के साथ फलां जगह पहुंच चुके हैं, ताकि वो मक्का वालों को जाकर बता दे और वो खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपसे अमान हासिल कर लें। वो कहते हैं कि मैं अभी खच्चर पर सवार ये सोचता हुआ जा रहा था कि मुझे अबू सुफियान और बुदैल बिन वरका बातें करते हुए सुनाई दिए। मैंने कहा अरे अबू हंजला, यानी कि अबू सुफियान और बुदैल बिन वरका को मुखातिब करके, अरे अबू हंजला। उसने मेरी आवाज को पहचान लिया। उसने कहा अबुल फजल हो? अबुल फजल हजरत अब्बास है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा ये देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ लोगों का जम्मे गफीर। अबू सुफियान ने कहा अब क्या होगा? सईदना अब्बास ने कहा मेरा ख्याल है कि अगर तुम इनके हत्थे चढ़ गए तो मारे जाओगे। इस तरह करो कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खच्चर है जिस पर मैं सवार हूँ, तुम भी मेरे पीछे सवार हो जाओ। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, मैं तेरे लिए उनसे पनाह तलब करूंगा। वो मेरे पीछे सवार हो गया और उसका साथ ही बुदैल बिन वरका वापस चला गया। अब्बास और अबू सुफियान दोनों सवारी पर चले जा रहे थे और मुसलमान इन दोनों के लिए रास्ते की रुकावटें दूर कर रहे थे। उमर बिन खत्ताब ने इन दोनों को देखा तो उन्होंने देखते ही कहा अरे अल्लाह का दुश्मन अबू सुफियान है, अल्लाह का शुक्र है आज मेरी जद में आ गया। उमर बिन खत्ताब ने आगे बढ़कर अबू सुफियान को काबू करना चाहा, लेकिन खच्चर तेजी से आगे बढ़ गई। उमर बिन खत्ताब पीछे दौड़े ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू सुफियान को कत्ल करने की इजाजत तलब करें। हुआ यह कि अब्बास और अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और पीछे ही उमर बिन खत्ताब भी पहुंच गए। सईदना अब्बास ने कहा अल्लाह के रसूल, मैंने अबू सुफियान को पनाह दे दी। उमर बिन खत्ताब ने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अबू सुफियान की गर्दन उड़ा दूं। सईदना अब्बास ने कहा उमर जरा ठहरिए, अगर अबू सुफियान बनु अदी बिन काब से होता, ये हजरत उमर का खानदान है, तो मैं इस तरह न कहता कि जिस तरह तुम कह रहे हो। तुम जानते हो कि यह कबीला बनु अब्द मुनाफ में से है। उमर बिन खत्ताब ने कहा ए अब्बास, मेरी बात जरा गौर से सुनो, अल्लाह की कसम तेरे इस्लाम कबूल करने से मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि अगर मेरा बाप इस्लाम कबूल कर लेता तो मुझे इतनी खुशी ना होती। ये बातें हो रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू सुफियान को अपने घर ले जाओ और सुबह मेरे पास लाओ। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की गई, लेकिन अबू सुफियान रात भर न सो सके। वो इस गम में मुब्तला थे कि मालूम नहीं सुबह क्या होता है। वो सारी रात जागते रहे। सुबह हुई तो सईदना अब्बास अबू सुफियान को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने फरमाया अबू सुफियान, बड़े अफसोस की बात है, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की हक्कानियत को जान लो? अबू सुफियान ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप कितने बुर्दबार, मुअज़्ज़ज़ और सिला रहमी करने वाले हैं। अगर अल्लाह के सिवा कोई और इलाह होता तो मेरी ये हालत न होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू सुफियान, बड़े अफसोस की बात है, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुमको ये मालूम हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अबू सुफियान ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप कितने बुर्दबार, रहम दिल, मुअज़्ज़ज़, सखी और सिला रहमी करने वाले हैं। मेरे दिल में ये एहसास पैदा हो गया है कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। ये एहसास क्यों पैदा हुआ था? आपके अंदाज और आपके मामला करने के तरीके से, क्योंकि इस वक्त आप फातेह थे, आप कुछ भी कर सकते थे। आप सिर्फ एक इशारा देते तो हज़रत उमर गर्दन उड़ा देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं करने दिया और आपने वक्त दिया, मोहलत दी और फिर बुलाकर बातचीत की। हम अपने दुश्मनों के साथ क्या करेंगे? कोई ऐसा शख्स आपके सामने आ जाए जो सारी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा और अब आपने उस पर काबू पा लिया। अब वक्त है कि आप उसको कुरान पढ़ने की तरफ ले आए, दीन की तरफ ले आए, और ये उस वक्त होगा जब आप उसको माफ करेंगे और या फिर आप उससे बदला लेके अपना दिल ठंडा कर लें और बात खत्म। हजरा आप सब अल्लाह का दीन पढ़ रहे हैं और आपको आगे पहुंचाना भी है, और शुरू कहाँ से करते हैं? घर वालों से, ऐसा ही है ना। अब हर घर में कोई ना कोई बहन भाई लड़े हुए होते हैं या कोई नाराजगियां होती हैं, होता है ना, या किसी ना किसी के साथ कोई दिल में ऐसी चीज होती। अच्छा चले अल्हम्दुलिल्लाह घर में नहीं तो कोई कजन्स, कोई चचा के बच्चे, कोई खाला के, कोई और, जिनके साथ आपकी तो हो सकता कोई नाराजगी ना हो लेकिन आपकी अम्मी अबू की हो और आप सालों से नहीं मिले हो, ऐसा होता है ना। अब जब आप खुद कुरान पढ़ते हैं तो जाहिर है खून के रिश्ते हैं, दिल कुड़ता है। दिल क्या चाहता है फिर? जब आप अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं अल्लाह की किताब में से, दिल क्या चाहता है कि सारे जहान को बता दे। वो एक नॉन मुस्लिम जो थी, उसको जब कुरान के बारे में पता चला तो उसने अपने जज्बात का इजहार यूं किया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाऊं और पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दूं कि कुरान क्या है और दीन क्या है, कि सबको पता चल जाए। अच्छा, जब आपको पता चल जाता है और आप बताना चाहते हैं तो रुकावट क्या चीज बनती है? या आपका पास्ट, कि देखो ये कल तक तो ये लड़की इतनी खराब थी और कल तो इतनी लड़ाइयां करती थी और आज कहती है तुम लोग कुरान पढ़ो, तुम्हारी बात हम कभी नहीं मानेंगे। रुकावटें आती है ना, किसी के साथ आपने ज्यादती की होती है, किसी ने आप पे ज्यादती की होती है, तो फिर ये चीज आपके रास्ते में रुकावट बन जाती है कि आप लोगों को अच्छी बात बता सके, खुसूसन उनको जिनका आप पर हक है और वो हैं आपके करीबी रिश्तेदार। सबसे मुश्किल काम उनको आप बताएं। तो ऐसे में फिर क्या करना पड़ता है कि आप बताने के काबिल हो सके। आपने कर भी लिया अखलाक अच्छा, लेकिन और क्या करना पड़ेगा? कौन सी चीज अखलाक में से करनी पड़ेगी? जी, आपने जो किया है उसको अंडू करना होगा। अंडू करने के लिए अगर किसी का हक मारा तो हक देना होगा, अगर किसी के साथ ज्यादती की तो सॉरी करना होगा, और अगर नहीं भी ज्यादती की, दूसरे ही की है, आपको 100% यकीन है कि दूसरे की ज्यादती है, तो भी लेट इट गो, जाने दें, क्योंकि आप इस वक्त बिजनेसमैन हैं, आप एक तिजारत कर रहे हैं और उसके नफे की बड़ी उम्मीद है आपको, और वो क्या है कि ये शख्स अल्लाह की तरफ आ जाए और इसका अजर मुझे मिल जाए, क्योंकि वो जो कुछ भी करेगा वो सारा अजर आपको मिलेगा, और हो सकता है वही आपका मददगार भी बन जाए जिसके साथ आप एहसान करें। लेकिन हमारे दिल बड़े नहीं होते, हम दीन का काम भी करते हैं लेकिन दिल बड़ा नहीं करते। नतीजा क्या होता है कि अपने भी दूर कर बैठते हैं। जो अच्छा अखलाक दिखाना है ना, वो फिर भी आसान हो जाता है कि हम वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए अपना कर लें। लेकिन जो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाकये में जो चीज क्लिक करी है वो ये है कि कितना सब्र किया उन्होंने, तहम्मुल किया, और उनके अंदर कितनी हिकमत थी कि अगर वो उस पॉइंट के ऊपर उसको वही बातें करते जो सुबह कर रहे हैं, अगर वो उस पॉइंट पे करते तो चाहे अगर इनका दिल होता भी, लेकिन वो सारा जो प्रेशर है उनके ऊपर उसकी वजह से वो शायद उसको एक्सेप्ट ना करते। हम लोगों का मसला ये होता है कि जब हम किसी को हक की बात बताना शुरू करते हैं तो तहम्मुल से शुरू करते हैं, लेकिन उनके कुछ रिएक्शंस या कुछ ऐसे एतराजात और आहिस्ता 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 हमारे इमोशन भी बिल्डअप हो जाते हैं और वो एक ऐसे इमोशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जहां पे फिर हम फसाद करके उठते। बिल्कुल, अगर हम उस वक्त ठहर जाएं और सुबह तक का इंतजार करें तो सुबह जो है आपकी अपनी कैफियत भी बेहतर होगी, उसकी भी बेहतर होगी, और फिर आप एक अच्छे तरीके से बात शुरू करेंगे, लेकिन आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग जो क्वालिटीज हैं वो उस वक्त आपके काम आएंगी, जो इस केस में हम देख रहे हैं। जितना बड़ा मकसद होगा जाहिर है ज़र्फ भी उतना बड़ा करना है, और फिर अल्लाह ताला से हिकमत मांगनी है, क्योंकि हिकमत के बगैर ये काम हो नहीं सकता। बस वहां हम अपनी सोच के मुताबिक सही कर रहे होते हैं लेकिन वहां गलती कर जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सवाल कर रहे हैं कि क्या अभी भी तुम्हारा दिल नहीं माना, माइल कर रहे हैं, उसको सोचने का मौका दे रहे हैं, जबर नहीं कर रहे, जबरदस्ती नहीं मनवा रहे। क्या अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? सीरा में जब इस तरह के वाकयात आते हैं ना तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलती है और हमें बहुत सारे मामलात को हैंडल करना आता है। बिल्कुल, जो शख्स आखिरत का सौदा कर लेता है ना, फिर वो उसकी निगाहें वक्ती जो सिचुएशंस होती है उनसे ऊपर उठ जाती हैं। वो कल को देखता है, वो आज नहीं देखता कि इस वक्त क्या हो रहा है, वो ये नहीं देखता इस वक्त ये बंदा मुझे गाली दे रहा है, वो उसको इससे कोई गरज नहीं होती कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ। उसको इससे गरज होती है कि मैंने इस मनफी को भी कैसे मुस्बत बना के इससे मैंने क्या बिजनेस करना है और क्या प्रॉफिट कमाना है। तो फिर रवैये और मामलात और तरीके बिल्कुल बदल जाते हैं। सैयदना अब्बास फरमाते कि मेरा दिल परेशान था क्योंकि उमर बिन खत्ताब रसूलुल्लाह के इशारे के मुंतजिर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कब मुझे इशारा दिया जाए। और इसमें हजरत अब्बास का भी तहम्मुल आप देखें ना, उनकी भी खैर खाई आप देखें कि वो इशारे के मुंतजिर थे कि मैं अबू सुफियान की गर्दन उड़ा दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर लो, पहले से कि तेरी गर्दन उड़ा दी जाए। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और कल में शहादत पढ़ लिया और हक की गवाही दी, यानी पहले उसको समझाया किया और उसके बाद उसको उसके खतरनाक नताइज भी बता दिए। सईदना अब्बास ने कहा, अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान को अपने इस्लाम कबूल करने पर फख्र है, इसको कुछ इनाम से नवाजे। अच्छे साथी, अच्छे दोस्त, अच्छे मशवरे देने वाले कितना डिफरेंस पैदा करते हैं, एक सिचुएशन को किस तरह से बदल देते हैं। इसको कुछ दें, वे इस्लाम कबूल किया, अपनी खातिर किया है, लेकिन वो उनकी तरफ से उनकी दिलजोई करते हैं कि इनको अपने इस्लाम कबूल करने पे फख्र है, इनको कुछ अता करें। आपने फरमाया, हाँ, मन दखल अदारा अबी सुफियान फहुआ आमिन, जो आज अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएगा वो अमन में होगा, क्योंकि वो सरदार था ना, तो उसको उसके एतबार से आपने इनाम दिया। वमन अगला का अलैहि दारहु फहुआ आमिन, और जो घर का दरवाजा बंद कर लेगा वो अमन में होगा। वमन दखल अल मस्जिद फहुआ आमिन, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा वो अमन में होगा। लोग ये ऐलान सुनकर अपने घरों में और मस्जिद हराम में दाखिल होकर पनाह में आ गए। फतेह मक्का का दिन। सही बुखारी में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन चलते हुए कुरैश के पास पहुंचे तो अबू सुफियान, हकीम बिन हिजाम और बुदैल बिन वर्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मालूम करने के लिए अपने घरों से निकलकर इधर उधर फिर रहे थे। घूमते फिरते मर्रज़ ज़हरान के मकाम पे पहुंचे। वहां जगह जगह आग के अलाव जल रहे थे, जैसे अरफा के दिन जला करते हैं। अबू सुफियान ने कहा कि ये अलाव तो मैदान अरफा का मंजर पेश कर रहे हैं। बुदैल बिन वर्का ने कहा ये बनु अमर कबीले के लोग हैं। अबू सुफियान ने कहा नहीं, बनु अमर कबीला तो तादाद में बहुत थोड़ा है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदारों ने उन तीनों को देख लिया और उन्हें गिरफ्तार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब सैयदना अब्बास उसको लेकर चले तो अबू सुफियान ने सैयदना अब्बास से कहा, ए अब्बास जरा रुको ताकि मैं मुसलमानों को देख सकूं। सैयदना अब्बास रुक गए। कबाइल गुजर रहे थे। एक एक कबीला अबू सुफियान के पास से गुजर रहा था। एक कबीला गुजरा तो अबू सुफियान ने पूछा, अब्बास ये कौन सा कबीला है? उन्होंने कहा ये कबीला बनु गफ्फार है। अबू सुफियान ने कहा मुझे बनु गफ्फार से क्या लेना देना। फिर कबीला जुहैना गुजरा। उसने फिर पूछा, अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया। फिर साद बिन हुजैल और अबू सुफियान ने पहले वाला सवाल दोहराया तो उसे बताया गया। फिर कबीला बनु सुलैम का लश्कर गुजरा। फिर बहुत बड़ा लश्कर गुजरा, इतना बड़ा कि इससे पहले नहीं देखा गया। पूछा गया ये कौन है? अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया ये अंसार है। इस लश्कर का अमीर साद बिन उबादा है। झंडा उसके हाथ में था। साद बिन उबादा ने कहा, अबू सुफियान आज खून रेज जंग होगी। आज अगर कोई काबा में भी दाखिल हो गया तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। अबू सुफियान घबरा गया। इसके बाद एक छोटा सा लश्कर गुजरा। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा कराम थे और झंडा जुबैर बिन अव्वाम के हाथ में था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल क्या आपको मालूम है कि साद बिन उबादा ने क्या कहा? वो कहता है आज खून रेज जंग होगी, किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद गलत कहता है। आज काबा की ताजीम को मलहूज खातिर रखा जाएगा। आज काबा को गिलाफ पहनाया जाएगा। रावी कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि झंडा हजून के मकाम पर गाड़ दिया जाए। और वह कहते हैं कि मुझे नाफे बिन जुबैर बिन मुतम ने बताया। वो कहते हैं कि मैंने अब्बास से सुना, वो जुबैर बिन अव्वाम से कह रहे थे, ए अबू अब्दुल्ला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे झंडा यहाँ गाड़ने का हुक्म दिया? उसने कहा हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो मक्का में बालाई जानिब कुदा से दाखिल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में कुदा से दाखिल हुए। खालिद बिन वलीद के लश्कर में शामिल शहसवारों के हाथों दो शख्स कत्ल, एक हुबैश बिन अशर और दूसरा कुर्स बिन जाफर फेहरी। लश्कर इस्लाम के मक्का मौजूमा में दाखिल होने से पहले अबू सुफियान अपनी कौम के पास पहुंच गया। उसने अपनी कौम को बताया, ए मेरी कौम, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, तुम भी मुसलमान हो जाओ, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर जर्रार के साथ आ रहे हैं। इतना बड़ा लश्कर तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। हिंद बिन उतबा ने जब अपने खाविंद अबू सुफियान की बात सुनी तो उसका पारा चढ़ गया। गजबनाक और कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने तो कौम की नाक कटवा दी, डूब मरो। फिर कौम को मुखातिब होकर कहने लगी, इसको कत्ल कर दो, इसने कौम की इज्जत खाक में मिला दी, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अबू सुफियान ने कहा, मेरी कौम, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, इस खातून के धोखे में ना आना, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुंचने ही वाले हैं, तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। इतने में फातह आजम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हो गए। मस्जिद हराम में दाखिल होकर बैतुल्लाह के अंदर और उसके इर्द गिर्द रखे गए तमाम बुतों को वहां से हटाने का हुक्म दिया। लोग जौक दर जौक दीन इस्लाम कबूल करने लगे। हिंद ने भी देख लिया और वो इस नतीजे पे पहुंची कि कुरैश आज के बाद अब उठ न सकेंगे, लिहाजा वो भी औरतों के साथ मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई ताकि आपके दस्ते मुबारक पर बैत कर ले। जब औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो हिंद बिन उतबा ने निकाब ओढ़ रखा था। हिंद ने आगे बढ़कर चेहरे से निकाब हटाया और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं हिंद बिन उतबा हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, आपके हाथ पर बैत करने की आरजूमंद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबन बिकी, खुश आमदीद। इस तरह अबू सुफियान का खानदान दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया और सब इज्जा बिन्त अबी सुफियान, उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान के साथ इकट्ठे हो गए। फिर इस गुलशन में बाहर आ गई। फिर सभी अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज में बसर करके अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला इन सब पर अपनी रहमत की बरखा बरसाए और सभी को अपनी रजा से नवाजे, या रब्बुल आलमीन। लेकिन इस्लाम कबूल कैसे किया? ये सब तो दुश्मन थे, ये सब तो मारे जाने वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहम्मुल और बुर्दबारी से, आपके मामले से हद दर्जे की खैर ख्वाही से, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। आपके एक सहाबी ने कह भी दिया कि आज तो ऐसी जंग होगी कि कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इतना बड़ा लश्कर लेकर आए थे और मक्का वाले तो थोड़े थे, लेकिन आपने खून भी नहीं बहाया और इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया, इतना बड़ा मकाम फतह किया। काबा की हुर्मत भी पामाल नहीं हुई, लोगों की जानें भी बची और वो सारे आपके दोस्त बन गए, आपके मददगार बन गए। दूसरों को अपने साथ मिलाने के लिए जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी ख्वाहिशात को खत्म करना पड़ता है, माफ करना पड़ता है, और जब जाकर इंसान दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करता है। सबसे पहले नहीं दाखिल हुए कि मैं फातेह हूँ, आज तो मैं दाखिल हो जाऊँ, सबसे एंड में आए। सबसे एंड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वेरी गुड पॉइंट, और छोटे से ग्रुप के साथ थे। चलिए ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।